हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबकी फेवरेट और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, चिली गोभी। आइए देखते हैं चिली गोभी को घर पे हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है फूल गोभी की। इसको हम छोटे फ्लोरेट्स में काट लेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटना है, हमें ये छोटे पीसेस में ही काटना है। अब हम उबलते हुए पानी में इसको करीबन 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए। 5 मिनट बाद इसे चलते हुए पानी में अच्छे से धो लीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी गर्मी ना रहे, और चेक कर लीजिए कि वो पारबॉइल्ड हो गई हो। उसके बाद हम इसको छलनी में डालकर सारा मॉइस्चर इसका निकाल लेंगे फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद हमने इसे छलनी से बाहर निकाल लिया है, इसमें से काफ़ी मॉइस्चर जा चुका है। अब हम इसके लिए एक ड्राई मैरिनेट तैयार करेंगे जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च। ये दोनों चीज़ें डाल के हम गोभी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो भी बचा खुचा मॉइस्चर है वो भी बाहर निकल आए, और ऐसा करने से हमारी गोभी बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगी। इसमें हम थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे, स्वादानुसार नमक, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मेन डिश में भी हम नमक डालेंगे, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। बस इनको अच्छे से हल्के हाथ से हिलाते हुए पूरी गोभी में मिक्स कर देंगे। आइए अब हम तैयार करते हैं इसका वेट मैरिनेट यानी कि बैटर। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नस्टार्च। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और एक विस्क की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालकर इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। इस मेजरमेंट में मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है। अच्छे से विस्क से इसके सारे लम्स को हमने निकालना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। अब हम अपने ड्राई मैरिनेट करी हुई गोभी को इस बैटर में डालते जाएंगे। ये सारी गोभी इतने मेजरमेंट के बैटर में पूरी आ जाएगी। इसको हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। अच्छे से सारी गोभी में ये कोटिंग लग जानी चाहिए। अब हमारा ऑयल रेडी हो चुका है। इसे मीडियम फायर पे ही फ्राई करेंगे। धीरे धीरे 1 चम्मच की सहायता से गोभियों को आप तेल में डालते जाइए और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमारी सारी गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है, एकदम क्रिस्पी है और गोल्डन कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो आइए देखें इसको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो मैंने ली है 1 कैप्सिकम डाइस की हुई, 1 अनियन डाइस किया हुआ, 1 इंच जिंजर चॉप किया हुआ, 3 से 4 कलियां लहसुन की चॉप की हुई, 1/2 अनियन चॉप्ड और 3 से 4 ग्रीन चिलीज। और ये जो सॉसेस का मिक्सचर मैंने बनाया है ये है 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच शुजवान सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। और इसको मैंने पहले से ही मिक्स करके रख लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कढ़ाई बहुत गर्म होनी चाहिए, और मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गार्लिक। एक्चुअली सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमें साथ ही डालने हैं, गार्लिक, जिंजर, अनियन और चिली, सबको एक साथ हमें फ्राई करना है, लेकिन ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करना है।
अब हम इसमें डाल देंगे अपने कैप्सिकम और अनियन। इनको भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, इन्हें भी क्रंची ही रखना है। तो अब हम मिक्स कर देते हैं इन्हें। और अब हम डालेंगे इसमें हमारी बनाई हुई सॉस मिक्स। तो आसानी से सब एक साथ हम कुक कर पाएंगे अनियंस और कैप्सिकम के साथ। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो आइए इसमें थोड़ा सीजनिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं। बहुत ही हल्का सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में बहुत नमक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी फ्राइड गोभी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। अब बस हम इन सभी मसालों को एक साथ टॉस कर देंगे ताकि हमारी गोभी टूटे ना। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से टॉस कर लिया है। अब एंड में हमें इसमें कॉर्नस्टार्च की स्लरी डालनी है, जिसमें मैंने एक चम्मच कॉर्नस्टार्च में 4 चम्मच पानी डाला है। ये स्टेप सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि गोभी के ऊपर एक अच्छा सा ग्लेज आ जाए। और अब डेकोरेशन के लिए इस पे हम वाइट सेसमी सीड्स डाल देंगे। और बस अच्छे से टॉस कर हमारी डिश है ऑलमोस्ट कम्प्लीट। और एंड में सिर्फ 1 चम्मच विनेगर। तो आइए, हमारी डिश है कंप्लीट। अब हम इसे सर्व करते हैं। तैयार है हमारी बहुत ही यमी चिली गोभी। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। और अब वक्त है टिप ऑफ द डे का। जिस तरीके से हमने चिली गोभी को प्रोसेस किया है, उसी तरीके से आप बाकी सब्जियों को भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, गाजर, ब्रोकली। सेम प्रोसेस से आप उसको एक बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची डिश बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।